ये सांप है क्या? तो इतनी लंबी दिख नहीं रही यहाँ पे, फस जा। तो मत के मत छेड़ उसमें, ऊपर आ जाएगी वो। ऊपर नहीं आ रही सांप, देख ना हमारे घर के। जब मेरी बहन की तबीयत खराब हो रही थी ना, तो मम्मी को देखो कहते हैं माँ माँ होती है। मम्मी की बारी आई, मम्मी को बैठाया हमने नीचे, ये देखो मम्मी तुरंत बैठ गए अपने फर्श में। लेकिन कल गर्मी होगी मम्मी, क्योंकि तेल की मालिश हो रही है ना। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम राउत व्लॉग्स में, फिर से एक नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, साथ वालों को हाय हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और अगर मैं बाहर की बात करूं तो बाहर देख सकते हैं आप, देखो मैं आई हूं छत पे और देख सकते हैं आप, सुबह सुबह ऐसा लग रहा है जैसे दिन के 12 बज गए होंगे। ये 7:30 बजे लग रहा है, ऐसा लग रहा है दिन के 12 बज गए होंगे। और इस समय पर ना बाहर निकलना बहुत मुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि सुबह से ही गर्मी स्टार्ट हो जा रही है। मुझे सो रखी है, देखो इतनी गर्मी हो रही है कि लोग बाहर ही सो रहे हैं सबके सब। जो हवाएं चल रही है इसमें लू चल रहा है, बस हवा के नाम पे लू है। आजकल मामा जी लोग भी बाहर ही सो रहे हैं। तो देख सकते हैं आप बाहर इतनी गर्मी हो रही है, मतलब सुबह के 7:30 बजे से ही गर्मी स्टार्ट हो जा रही है। फिलहाल भोजन की तैयारी करते हैं, ठीक है, नाश्ते की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं आपको, फिर आगे देखते हैं, व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे माता श्री लोगों के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा। अभी दोनों चूल्हे में रख दिए हैं मैंने, एक में दाल रखी है, एक में सब्जी रखी है, बर्तन धो के रख दिए हैं। फिलहाल बाहर चलते हैं, बाहर नहर में पानी आ रहा है, थोड़ा सा चौक साफ कर देते हैं। अभी लेके जा रही हूँ कचरा, कचरे वाली गाड़ी में कचरा डालने के लिए। अभी तो नीचे गया है, देखते हैं कब तक आएगा ऊपर। फिलहाल मैं निकल चुकी हूँ घर से। फिलहाल ये चौक भी साफ कर दिया, देखो वहां तक पूरा करना पड़ता है। और ये अंदर पानी डालना बहुत ज़रूरी होता था गर्मियों के टाइम पे। बेचारे फर्श भी इस गर्मी में पागल हो जाते होंगे। अभी फिलहाल सारा काम डन हो चुका है, फिलहाल बारी आती है नहाने की, तो नहाने चलते हैं, स्नान ध्यान करके आते हैं। आ गई माता से, गुड मॉर्निंग। ये देखिए हमने सारा काम कर लिया, माता श्री अभी भी लेटी है। ये देख रहे हो, होश होता ना मम्मी को? अभी तो आप एक्सरसाइज कर रहे होते, कहीं नहीं कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। ये देख रहे हो ये क्या है, क्या है ये? कुछ नहीं है, झूठी है, एक नंबर की। तो अभी घर जाने का टाइम हो गया, लेकिन मेरा भाई जाने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसी है ना, एसी के चक्कर में सुबह भी जल्दी आता है और शाम को भी लेट करता है। तो फिलहाल मैं तो जा रही हूँ अमन के साथ, इसको शायद कोई और भी मिलने आ रहा है, तो मैं निकलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे है। भालू कालू कालू मुझ पर नहीं है कुछ, भालू नहीं है ले रहा। तो फ्रेंड अभी मैं निकली हूँ पैदल पैदल, दूसरे साइड से जा रही हूँ आज। क्लालगटी से दूसरा वाला रूट है, मतलब दूसरा वाला मार्ग है जिधर से मैं जा रही हूँ। तो मेरा इस साइड से जाने का एकमात्र रीज़न ये है कि मैं पैरासीटामोल लेने गई थी अपनी बहन के लिए। मैंने सोचा कि चलो चले जाते हैं इधर से पैदल।
तो इधर से आपको ऐसा ही दृश्य मिलेगा कुछ। ये जो एरिया है ना पूरा, ये वाला पूरा, ये मानपुर में आता है और आगे ही चल के हमारा घर आएगा तो वो लक्ष्मपुर में आता है। यहाँ पे थोड़ी सी ही जगह पे, मतलब थोड़ी सी ही दूरी पे जगह के नाम बदलने लग जाते हैं, जैसे इंसान बदलते हैं, यहाँ पे जगहों के नाम बदल जाते हैं थोड़ी थोड़ी जगह पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, सॉरी। ये देखिए तो नाली इतने वैसे है ना, चलने में बहुत दिक्कत आ रही है, नीचे देख के चलना पड़ रहा है, नहीं तो आसमान में देख के चलती हूँ चीज को। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने घर के सामने, देख सकते हैं आप, ये वाला रास्ता जाता है हमारे घर को, ये गेट खुला हुआ है और यहाँ से ये देखिए हम पहुंच चुके हैं घर पे। और यहाँ किससे बात कर रहे हो तुम, किससे बात कर रहे हो? देखो नया शख्स शिवांशी की बहन, ये मुझे बोलने नहीं दे रही। शिवांशी तो कल के ब्लॉग में आने वाली है, शिवांश की बहन शिवांशी, अब बोलने नहीं दे रही किसी को। हेलो हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ। हेलो गाइस, मेरा मूड थोड़ा खराब हो रहा है। शिवांशु भैया कहाँ गए? शिवांशु भैया कहाँ गए भाई? ये सांप है क्या? तो इतनी लंबी दिख नहीं रही यहाँ पे। भाई भाई जान तो मत के मत छेड़ उसमें, ऊपर आ जाएगी। ऊपर नहीं आ रही सांप, देख रहा हमारे घर के जस्ट बगल में। ये देखो बालम भैया प्यार, तो मत के मत के मत करना मम्मा, तो मत छेड़ उसमें। मरी है सर, मरी है क्या? हैं क्यों मरी हुई? इतना डाल दी किसी ने नहर में, मत तनु ने सोचा कि मरी, तनु ने सोचा मरी हुई है, मरी हुई नहीं है तनु, तो भाई काटेगी ना ये तो भैया, ये सांप को नहीं छोड़ी, इतना इतना प्रेम भी नहीं होना चाहिए भाई। वो सोची थी मरी हुई, इतने डाल दी किसी ने। कहाँ गई हो? चले गए मज्जा। ये घास लेने जाते हैं ना रात में, वो कालू के लिए घास लेते लेते कभी तेरे कोई लपेटे बिना ले ले कभी हो तो लेते ले घास। बालम भैया डर गए भाई साहब, पतली सी सांप, वो तो 3-4 दिन से इधर ही घूम रही है, हमको तो दिख ही रही है उतने टाइम से। है तो बड़ी लेकिन पतली है बहुत, लंबी सांप, लंबी मम्मी लंबी सांप। क्या बोल रहे हो? बरखरानी अपने दादाजी के साथ है वहाँ पे। कौन आ रखे? वो कौन आ रखे तुम्हारे घर में? जट्ठे। अच्छा कब आए? बच्चे भी आए? बच्चे देखो मम्मी कितने क्वेश्चन करती है सबसे, और वो समय से बैठी हुई है, एक्सरसाइज नहीं कर रही है। हाँ तो मैंने मम्मी के पीछे एक्सरसाइज के पीछे ही पड़ जाना है, दिन रात जब भी आऊंगी तब भी यही चीज बोलूंगी। चलो फटाफट करो, 1 2 3 4 स्टार्ट। हाथों की करा करो, हाथों की स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुकी हूँ नहा धो के भी, रात में सुबह शाम दिन रात नहाना पड़ रहा है मुझे। ये हमारी माता श्री, मेरे को मिलाया था आगे, झूठ बोलती है मेरी, मैंने नहलाया था तो, लेकिन वही गर्मी हो रही है ना तो थोड़ा रोज रोज नहाना बनता है। हम तो 2 टाइम नहा रहे हैं लेकिन मम्मी को 1 टाइम नहलाना पड़ेगा। मैं आज नहीं नहलाया क्योंकि पानी नहीं था छत में, तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। ये देखो इसको, गर्मी से बुरे हाल हो रहे, नीचे लेट के ही पढ़ाई हो रही है।
अरे कौन सी पढ़ाई हो रही है, टावल लपेट के टावल लपेट के तौलिया मास्टर कान में हेडफोन डालेंगे ना, उसको सुनाई नहीं दे रहा वो, देखो क्या बोली, क्या बहती है ना, मार दे। तो मेरी बहन की तबीयत खराब हो रही है ना, तो मम्मी को देखो कहते हैं माँ माँ होती है देखो उसकी तबीयत खराब हो रही ना, उसको बुखार आ रखा है, बीपी लो हो रहा है उसका। आज कहाँ से आई मम्मी अकल? बोल रही थी मैं दिन में ही बोल रही थी उसको कि मेरे को तेल और पानी दे, मैं मालिश करूंगी। को पता क्या चाहिए, हर चीज मुंह के सामने चाहिए। काट दी, और वो भी कितने रुपए का आया था ये कटा, 1000 रुपए का शो। हाँ वो अलग मरता, ये जो बिल्कुल इसको हर चीज सामने चाहिए होती है ना सबक, ये होती है सबक, तो हर चीज मुंह के सामने नहीं चाहिए होता है। उससे चार्ज लैपटॉप को तो बाहर में भी चार्ज कर सकता है, ये ऐसे ही करता, पता क्या करता है ये चार्ज पे लगा के दिन रात छोड़ा जाता है इसने, और इसकी वजह से 2000 रुपए बिल आ रखा। मम्मी की बारी आ गई है मालिश करवाने की, अभी अपनी बेटी की मालिश कर रही थी, अब बेटी मम्मी की मालिश कर रही है। चलो बैठो, बैठो, बोला कि नीचे बैठना है कि बैठो। ये बारी आई मम्मी को बैठाया हमने नीचे, ये देखो मम्मी तुरंत बैठ गए अपने फर्श में, लेकिन कल गर्मी होगी मम्मी, क्योंकि तेल की मालिश हो रही है ना, कल उतनी गर्मी होगी, तेल सर पे ज्यादा लगाएगी, पानी और तेल भी है उसमें, देख लिया था मैंने। बस हो गया है, तीन एक्सरसाइज कर ठीक है। मैंने चूल्हे में वो रखा है अरबी, तो ये सीटी मारने का नाम नहीं ले रहा है। लग चुके हैं बिस्तर, इधर वो सो गया है, ये मेरा बिस्तर है और ये माता श्री का है। आज के व्लॉग को रखेंगे इतना ही, आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सोनम मिलती हूँ आप सभी से एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, तो बने रहिएगा सोनम रावत व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा सारे अपने।